सर महिला शामिल है गिरफ्तारी इसमें? हुई हाँ, है। ये महिला भी शामिल थी इसमें, और ये जो ज्वेलरी इन लोगों ने लूटा था उसका जो रिसीवर था वो भी गिरफ्तार हो गया, और ये महिला ही जाके इसने ही बेचा था वहाँ पे, तो ये इसकी भी गिरफ्तारी हो गई। गोलाघाटनी समाचार बटुए बक्सर से। हेमा के घरे भइल चोरी मामला में 7 गो चोर के पुलिस कैलस गिरफ्तार। सोना चांदी के गहना समेत चोरी करे के हथियार भी भइल बरामद। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। एसपी साहेब के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल तो नया बानी तो बेल आइकन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली। फेसबुक पेज पर देखतनी तो फॉलो कर ली। देखला के बाद शेयर जरूर करी। चोर कतनो सातिर होखस अपना पीछे एक न एक सुराग जरूर छोड़ के चल जालन। इहे सुराग पुलिस खातिर कारगर साबित होला। जी हाँ, बक्सर जिला के करमा गांव में हथियार के बल पे मारपीट क के चोरी करे वाला के पकड़े में पुलिस के सफलता मिलल बा। एगो महिला समेत 6 गो चोर के साथ चोरी के आभूषण खरीदे वाला सोनार के भी पुलिस गिरफ्तार कर लेले बिया। अभियुक्त के भीड़ी से चोरी के आभूषण आ चोरी करे के औजार भी बरामद कर गई बा। एकर जानकारी बक्सर एसपी मनीष कुमार के द्वारा शनिचर के दोपहरिया मीडिया से वार्ता के दौरान दिहल गई। एकरा खातिर बक्सर डीएसपी धीरज कुमार के नेतृत्व में एगो टीम गठित करके लगातार छापेमारी कर गई। जौना में 2 फरवरी के कुल 6 लोग के राजपुर थाना अंतर्गत ग्राम छीतन डिहरा के भीड़ से गिरफ्तार कर गई। चोरी के सामान खरीदे वाला सोना चांदी के दुकानदार संतू कुमार के भी गिरफ्तार कर गई बा। जेकरा बाद आगे के कार्रवाई कल जा रहा बा। एसपी के द्वारा जानकारी देत बतावल गई कि 19 जनवरी के राति खा धनसोई थाना क्षेत्र के गांव करमा के हेमा कुमारी पति शेष मुनि कुमार के घरे कुछ अज्ञात चोर के द्वारा घातक हथियार से लैस होके घर में घुस के चोरी कल गई। गृह स्वामी के द्वारा विरोध कैला पे घातक हथियार से वादी के पति या सास के बुरी तरह से मारपीट के जख्मी कर दिहल गई। चोर के द्वारा इनकर घर के अलमारी में रखल जेवर आ अन्य कीमती सामान चोरी कर दिहल गई। इस संबंध में पीड़िता हेमा कुमारी के लिखित आवेदन के आधार पे धनसोई थाना में FIR दर्ज कल गई। पकड़ल गई गिरोह के द्वारा दिनारा धनसोई में सोना के दुकान में चोरी आ इटाड़ी में गृहभेदन के वारदात में भी अपन संलिप्तता स्वीकार कैले बालो। पकड़ल गई सब अभियुक्त रोहतास जिला के अलग अलग गांव के हैं। पिंटू कुमार खरबार कैडाडीह गांव सुखारी खरबार बीवरा गांव, नीतीश कुमार गोलू खरबार और कोढ़ी गोला विदेशी टोला गांव, सत्या खरबार जोबीवरा गांव, मंजू देवी कंडाडीह निवासी है। बयान सुनी आ एक बाद सभे दबा के शेयर करी। कमेंट क के बताई कि खबर कैसन लागल ताकि देश ना विदेश तक भोजपुरिया समाचार के धमक पहुँचत रहे। रौरा दर्शक लोग के भोजपुरिया समाचार मजबूती से खबर देखावत रहे। भोजपुरिया समाचार के धनसोई थाना अंतर्गत 19 तारीख को की रात्रि को 19 जनवरी की रात्रि में एक हेमा कुमारी हैं, उनके घर में कुछ लोग घुसे रात में, उनके द्वारा मारपीट की गई और सामान लूटा गया। इसमें फिर अनुसंधान के दौरान पाया गया कि इसमें लूटने वाले जो हैं ये नोमैडिक टाइप के लोग हैं, और इनका जो निवास स्थान है वो बेसिकली विक्रमगंज रोहतास के रहने वाले थे। सभी की गिरफ्तारी हुई है और इसमें लूटा गया बहुत सारा सामान बरामद हुआ है, साथ ही जिन चीज़ से मारपीट की गई थी वो भी बरामद हो गया है। सर महिला शामिल है इसमें? हाँ, ये महिला भी शामिल थी इसमें, और ये जो ज्वेलरी इन लोगों ने लूटा था उसका जो रिसीवर था वो भी गिरफ्तार हो गया, और ये महिला ही जाके इसने ही बेचा था वहाँ पे, तो ये इसकी भी गिरफ्तारी। कितने लोग की गिरफ्तारी हुई है सर? ऑल टुगेदर 7 लोगों की गिरफ्तारी है। महिला समेत? सर महिला समेत सर? हाँ महिला समेत। सर ये गिरोह किस तरह से लोगों को ट्रेस करता था सर? ये बेसिकली घूम घूम के सामान वगैरह बेचते हैं, इसी दौरान हाँ इसी दौरान रेकी भी करते हैं, घर को आइडेंटिफाई भी करते हैं, और बाद में फिर वैसे घरों को जिसमें ये कर सकते हैं आइडेंटिफाई करते हुए फिर घटना।
गिरोह द्वारा पूर्व में किन किन घटनाओं को अंजाम दिया गया? पूर्व में दो घटना का इन्होंने कन्फेस किया है, जो एक रोहतास में किया हुआ है और एक और अन्य जगह पे किया हुआ है, उसके संबंध में इन्होंने कन्फेस किया है। गिरफ्तार सातों लोग एक ही गिरोह के हैं? सातों एक ही गिरोह के हैं, उसमें एक रिसीवर है, बाकी छः एक ही गिरोह के हैं। जहाँ भी घटना को अंजाम देते थे सब साथ साथ? पहले भी सब यंगस्टर्स हैं और पहले भी जो किया होगा, अभी तो बताया कि पहले भी इन्होंने किया है, दो घटनाएं की है, तो गिरोह है तो साथ में ही करते हो। जिले में सर चोरी की घटनाएं बढ़ गई है देखा? दो नए डीएसपी मिले हैं, उसमें एक हमारा साइबर थाना जो है, उसमें डीएसपी जो है थानाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, उनका पदस्थापन हुआ है। साथ ही यातायात के लिए भी एक डीएसपी मिले हैं, तो हमें उम्मीद है कि उनके आने के बाद जो यातायात का कुछ समस्या हमारे यहाँ रहता है वो हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। साइबर सेल मामले में भी अनुसंधान? हाँ, साइबर सेल में भी अब चूंकि एक फुल फ्लेज्ड डीएसपी मिल गई हैं, तो अनुसंधान त्वरित होगा और ज़्यादा प्रोफेशनल वे में करेंगे अनुसंधान। ये मे भी कुछ घटनाएँ रिपोर्ट हुई हैं और उसका उद्भेदन भी हो जाएगा, पुलिस उसमें लगी हुई है, चूँकि थोड़ा कुहासा वगैरह का मौसम है तो कुछ घटनाएँ ऐसी हुई होगी। पेट्रोलिंग को लेकर क्या सुस्ती तो नहीं सर? पेट्रोलिंग तो लगातार हमारी चल रही है और रात में भी लगातार पेट्रोलिंग रहती है, चेकिंग भी होती रहती है और कभी कभी घटनाएं हो जाती है, क्योंकि पुलिस हर जगह हर समय उपस्थित नहीं रहती है। सर दो नए इस खबर के प्रायोजक हैं गॉड ग्रेस सीबीएसई स्कूल चौगाई।